तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर है। आप उस डॉक्टर से बात कर लीजिएगा जो आपको आपके कहने पे आपकी मर्जी की रिपोर्ट बना दे। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया था कि रोशाने ने फाइनली मेरे आगे हार मान ली है। तुम ये कह लो कि उसकी जिद ने हमारी मोहब्बत के आगे घुटने टेक दिए हैं। हिजर ही मुकद्दर है। अम्मी आप आइए। अरे अम्मी आइए। अहमद बेटा ठीक तो हो ना? कुछ परेशान लग रहे थे, ऑफिस में सब ठीक है ना? जी अम्मी सब ठीक है, बस वो काम की वजह से थोड़ी थकन हो गई और तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ लग रही है। अच्छा तो फिर तुम आराम करो। वो दरअसल बगैर तफसील बताए तुम कमरे में आ गए तो दिल को एक धड़का सा लगा हुआ था। अरे अम्मी आप बात बात पर परेशान मत हुआ करें, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। माँ बाप के लिए औलाद अगर साहिब औलाद हो जाए ना तब भी छोटे बच्चों की तरह होती है ना, उन्हें नाराज देख सकते हैं और उनकी जरा सी परेशानी पे परेशान हो जाते हैं। क्यों रोशन है बेटा? जी जी अम्मी। बेटा लाउंज में मुझे परेशान देखकर सारा ने मेरी हिम्मत बंधाई कि आप कमरे में जाके खैरियत पूछ लें। बेटा अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो असद के साथ डॉक्टर के पास चले जाओ। अम्मी उसकी कोई जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा मैं। हाँ हाँ इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। अरे हाँ याद आया बेटा, तुम्हें रोशाने की रिपोर्ट्स लानी थी ना आज। जी अम्मी लानी थी पर तबीयत ठीक नहीं थी सो डायरेक्टली ऑफिस से घर ही आ गया मैं। चलो कोई बात नहीं, कल ले आना। मेरे तो कान ये खुशखबरी सुनने के लिए बेचैन है। जानता हूँ मैं, बस अल्लाह सब खैर करे। अच्छा आराम करो तुम। रोशाने बेटा अहमद का ख्याल रखना। जी अम्मी। नहीं ऐसी कोई बात होती तो मुझे इसका इल्म होता। अहमद सारा दिन ऑफिस में ही था मेरे साथ। अहमद की कितनी चीजों के बारे में आप जानते हैं? मैं जानती हूँ ना, याद है आपको वो मिराल वाली बात सबसे आखिर में आपको ही पता चली थी। असद सब बातें बताने से नहीं पता चलती, रिएक्शन से अंदाजा हो जाता है कि बंदा किस टोन में बात कर रहा है। सारा तुम बिला वजह शक कर रही हो उसके ऊपर। मैं बिला वजह शक नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको अम्मी की फीलिंग्स के बारे में बता रही थी। कितनी परेशान है वो अहमद के रिएक्शन के बाद। असद मैं जब भी इस घर के बारे में कोई बात करती हूँ आपको इतना बुरा क्यों लगता है? ओहो सारा मेरी बात का ये मतलब नहीं था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज ऑफिस में रूटीन से हटके कोई बात नहीं हुई और ना ही अहमद के साथ किसी की ऊंच नीच हुई। ऑफिस से घर तक का रास्ता कितना लंबा है, इंसान कुछ भी सोच सकता है। और वैसे भी कुछ अरसे पहले आपके भाई के दिमाग में उनकी ओल्ड लव स्टोरी जाग उठी थी। कम ऑन सारा तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो, अहमद इस तरफ सोच भी नहीं रहा होगा, तुम बेवजह कहानियां बना रही हो। लोगों के कैरेक्टर से ही स्टोरियां बनती हैं, आप क्यों भूल जाते हैं? ओके
इस घर के सारे कैरेक्टर आपके सामने हैं, तो बना ले जितनी कहानियां बनानी है। आप तो हमेशा मेरी सारी बातों को ऐसी फूंक मार के उड़ा देते हैं, लेकिन जिस दिन मेरी बातें सच होंगी ना और आप सर पकड़ के बैठे होंगे, उस दिन मैं आपसे पूछूंगी। अच्छा बाबा, अभी भी मेरे सर पे हाथ है क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। प्लीज चाय पिला दो। क्या हो जाता है इसमें? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैंने चाय बना दी है, तुम ऑमलेट बना के टेबल पर ही ले आओ अहमद के लिए। क्या बात है, आज ज़रा देर हो गई तुम लोगों को आने में। अहमद तो सुबह ही ऑफिस चले गए। ऑफिस चला गया बगैर नाश्ता किए? रात को तबीयत ज़्यादा तो नहीं ख़राब हो गई थी अहमद की? नहीं अम्मी, तबीयत भी ठीक है, फिर भी नाश्ते के बगैर चला गया। रोशानी बेटा, क्या कोई ऐसी बात तुम दोनों के इल्म में है जो मुझसे छुपाई जा रही हो? अगर तुम मेरी और मीराल की जिंदगी से निकल जाना चाहती हो तो मुझसे तलाक ले लो। अगर इसी घर में रहना चाहती हो तो बस घर वालों के सामने जाओ और उनसे कहो तुम कभी मां नहीं बन सकती। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। कल से तुम भी मुझे चुप चुप लग रही हो, और अहमद के इस रवैये की भी कोई तो वजह होगी। बेटा, तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई है? कोई झगड़ा, कोई इख्तलाफ? कुछ दिन पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, बल्कि पहले से भी ज्यादा नॉर्मल था, फिर अचानक अहमद ने मुझसे अपनी किसी परेशानी का इजहार नहीं किया। मैं खामखा कोई राय कायम करके आपको कैसे जवाब दे सकती हूँ? अगर तुम वाकई ठीक कह रही हो तो फिर इस बात का जवाब अहमद के पास होना चाहिए। बगैर किसी वजह के वो ऐसे नहीं कर सकता। यस, अरे आइए भाई। जी, अहमद के कमरे में एक सैंडविच और एक पिज्जा भिजवा दें। क्या बात है भाई, खैरियत तो है? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हो गया तुम्हें? अम्मी का फोन आया था, बिना नाश्ता किए तुम यहाँ पे आ गए। तुम जानते हो अम्मी तुम्हारी वजह से कितना परेशान रहती है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ रहता है। क्या मसला है, क्या परेशानी है बताओ? कोई मसला है तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे यार। कोई भी मसला ऐसा नहीं होता इसका कोई सलूशन ना हो। भाई ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसकी वजह से अम्मी को परेशान होना पड़े, और मैंने रात को भी बताया था अम्मी को। ओके, अम्मी को बताया तो मुझे ही बता दो। भाई कोई खास बात नहीं है, बस काम का लोड है। वो एक्चुअली 3 दिन बाद हमारी एक प्रेजेंटेशन है ना, तो बस उसी को लेकर थोड़ा स्ट्रेस है। बस यही परेशानी थी? अहमद, मुझे भी काम का बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन जब मैं ऑफिस का दरवाजा यहाँ लॉक करके जाता हूँ ना, अपनी सारी प्रॉब्लम्स यहीं लॉक करके चला जाता हूँ और कोई प्रॉब्लम अपने साथ घर नहीं ले जाता। और प्रॉब्लम्स में डिफरेंशिएट करना सीखो यार। बस भाई शायद यही फर्क नहीं कर पाया मैं। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए अहमद, तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग होनी चाहिए। जिस तरह प्रोफेशनल लाइफ में आप कोई भी फैसला जज्बाती होकर नहीं कर सकते हैं, इस तरह पर्सनल लाइफ में कोई भी फैसला आप फायदे या नुकसान के हिसाब से नहीं करते हैं यार। Do you understand? चलो नाश्ता आ रहा है, नाश्ता करो and please try to de-stress yourself. Thank you, भाई। वो
मैं और अहमद जिस मीटिंग में गए थे काफी अच्छी रही है वैसे। भाई ऑफिस की बातें आप लोग ऑफिस में ही छोड़ के आया करें। अच्छा अम्मी नहीं करता हूँ बात बाकी। अहमद चाचू जी बेटा। अहमद चाचू आपका बेबी कब आएगा? बताए ना चाचू, चुप क्यों हो गए? देखे चाचू, मैंने उसके लिए बेड भी लिया हुआ है। चाची, वो बेबी सिर्फ मेरे साथ ही खेलेगा ना? उसके कमरे में उसे समझाने भी गई थी और अहमद से भी फोन करके कहा कि उसकी खामोशी और उदासी की वजह पता करे। भाई मैं तो ये समझ रहा था कि जैसा कि आपने बताया था सब कुछ ठीक हो गया। मेरा ख्याल था कि शायद दफ्तर के काम काज की वजह से स्ट्रेस है, घर आएगा, आराम करेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई असफिया बेगम। लेकिन उसके इस रवैये की कोई माकूल वजह भी तो सामने आए। आपको याद है जब अहमद छोटा था और अपनी जिद मनवाना चाहता था, बिल्कुल ऐसे करता था। लेकिन अब ना तो उसका बचपन है और ना ही उसे अपनी जिद मनवाने के लिए हमसे इस तरह का रवैया रखना चाहिए। फिर भला और क्या बात हो सकती है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में आपको अहमद से दोबारा बात करनी होगी। या तो पहले गलत बयान से काम ले रहा था या वो अब झूठ बोल रहा है। और सच जाने बगैर हम मसले का कोई हल नहीं निकाल सकते। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। अम्मी भी आपकी वजह से बहुत परेशान है। अरे उनकी परेशानी दूर करने के लिए ही तो ये सब कुछ कर रहा हूँ रोशनी मैम। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। एक्चुअली तुम्हारा अम्मी से बात करने का वक्त आ गया है और तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना। इनफैक्ट तुम्हारे लिए तो आसान होगा। तुम्हें बस आंख में दो आंसू लाने हैं, चेहरे पर एक दुखी एक्सप्रेशन, ऐसा ही। और फिर उनसे कहना कि मुझे माफ कर दें अम्मी, मैं आपको वो खुशी नहीं दे सकती। आपकी बहू कभी मां नहीं बन सकती। वो आपकी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल ही नहीं है। और दो आंसू गिरा देना ऐसे ही, बस सब सेट हो जाएगा। अल्लाह की मर्जी के आगे कभी चली है किसी की? क्या चुप कर जाओ। क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो? अहमद बेटा क्यों रो रही है ये? क्या कहूं मम्मी, बात बेटे आप। बेटा मैं तो अहमद की उदासी का सबब पूछने आई थी, यहां तो तुम भी रो रही हो। अल्लाह खैर करे, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। ऐसा कौन सा दुख है बेटा जो तुम दोनों की ये हालत हो गई? अहमद ये क्यों रो रही है रोशने, कुछ तो बताओ। बता दो अम्मी को, अम्मी से क्या छुपाना। रोशने मेरी बच्ची, मुझे नहीं बताओगे? मां नहीं समझती मुझे। बेटा जैसे खालदा तुम्हारी माँ है, मैंने भी पहले दिन से ये कोशिश की कि तुम्हें माँ वाली मोहब्बत दे सकूं। हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि तुम्हारी सास न बनूं,
माँ ही बन के रहूं। बोलो ना बेटा। मम्मी, मम्मी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं हूं। मैं कभी मां नहीं बन सकती। मैं आपको और अहमद को बच्चे की खुशी नहीं दे सकती। अम्मी, या खुदाया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। कुदरत ने बेचारी रोशनी की किस्मत में इतना बड़ा इम्तिहान रखा है, कितने दुख की बात है। दुख की बात तो है। खुदा कभी किसी औरत की जबान पर वो लफ्ज ना लेकर है जो रोशी अम्मी के सामने अदा कर रही थी। मैं समझ सकता हूँ सारा, मैं जानता हूँ कि बड़े से बड़ा जख्म भी दुनिया में वक्त के साथ भरा जा सकता है, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी सही जा सकती है, लेकिन इस चीज का कोई नियम बदल जाए। एक औरत तो मुकम्मल ही उसी वक्त होती है जब वो अपनी कोख में किसी वजूद को महसूस करके दुनिया में लाने का सबब बनती है। इसका मतलब कि अहमद के टेंस होने की भी यही वजह है। हमें रोशाने को संभालना होगा, उसकी केयर करना होगा, उसको हमारे सहारे की जरूरत है। अभी तुम इसका बहुत ख्याल करना है। अब ख्याल तो मैं उसका रखूंगी, लेकिन असद, इस इंसिडेंट के बाद रोशी अम्मी अब्बू के सामने मजलूम बन जाएगी और सारे घर की हमदर्दियां उसकी तरफ हो जाएंगी। सारा ये वक्त है इस किस्म की बातें करने का? तुम्हें तो इस वक्त उसके पास होना चाहिए। मुझे क्यों होना चाहिए उसके पास? क्या उसने मुझे अपने पास बुलाकर ये सब बातें बताई हैं? अगर अब मैं उसके सर पर जाकर बैठ भी गई ना तो वो समझेगी मैं तंज करने आई हूँ। असद प्लीज, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। सारा, एक तो ये जो तुम पे डिप्लोमेसी का दौरा पड़ता है ना, मेरे समझ से बाहर है। लो, अब दूसरों के वजह से हमारे बीच में झगड़ा शुरू हो गया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जैसे तुम इस घर की बहू हो, वो भी इस घर की बहू है। असद प्लीज, आई नो माई पोजिशन वेरी वेल इन द हाउस, प्लीज। ओके भाई, तुम्हें कोई भी बात समझाना और समझना मेरे बस से बाहर। प्लीज लेटने लोगों तो लैंप बंद कर देना। ऑफकोर्स मीराल, ये हमारी मोहब्बत की जीत है, सेलिब्रेशन तो लाजमी है। और हमने एक दूसरे को हासिल करने के लिए जितना इंतजार करना था ना, सब कर लिया। अब बस अहमद, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जीने लगी हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, जिसने जो करना है कर ले, पर जब हमारा वक्त आएगा तो कोई तीसरा कुछ नहीं कर पाएगा, पर सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। अच्छा ये बताओ, ये सब सुनने के बाद तुम्हारे घर वालों का क्या रिएक्शन था? वही जो नॉर्मली होता है। आ, गुड। वैसे अब हमें जल्द से जल्द एक हो जाना चाहिए ताकि कोई और इशू सर ना उठाए। अब कोई ऐसा इशू बचा ही नहीं जो तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी खराब करे। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर देख सब कुछ हमारे हक में होगा। और तुम्हारी बीवी? बीवी? उसका क्या करना है? वो इस घर में पहले जैसे रह रही थी वैसे रहती रहेगी, एक अजनबी हमराही की तरह। ख्याल करना है मत, कभी कभी अजनबी हमराही भी अपने लगने लगते हैं और अपनाइयत पहली सीढ़ी होती है मोहब्बत की। अरे अपनाइयत तो तब होगी ना जब उस अजनबी से कोई ताल्लुक होगा, और ताल्लुक तो तब भी नहीं था जब वो मेरे पास थी। और अब आई गेस वो मेरे पास हो कि वो सोचेगी भी नहीं।
तुम्हारा उससे दूर रहना ही है। तुम्हें मेरे पास कर देगा अहमद। आज इसे थैंक यू। अच्छा ये बताओ हम कब मिल रहे? जल्दी। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। मैं जल्दी मिलूंगा। टेक केयर। बाय बाय। Hey. Thank you. उस रिपोर्ट में आया है कि रोशानी कभी मां नहीं बन सकती। रोशानी कभी मां नहीं बन सकती। हिजर ही मुकद्दर है। बड़ी तादाद में जो नशा करने वाले अफराद हैं वो यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद होते हैं और उनका शक यही है कि वो जो नशे ही अफराद थे उनमें से किसी एक ने जो है इस बच्चे। ये लीजिए। बिस्मिल्लाह। थैंक यू। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि उस बच्चे के इम्तिहान के साथ साथ हमारी भी एक कड़ी आजमाइश है। अब हमें उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना होगा ताकि उसे महरूमी का एहसास ना हो। उस बच्ची को वाकई इस घर में खुशियों के बजाय मुसीबतों का मुंह देखना पड़ा। मगर बहुत साबिर और शाकिर है हमारी रोशानी। बिला शुबा वो साबिर और शाकिर है और साबिर और शाकिर ही अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हुआ करते हैं। एक औरत और एक बीवी होने के नाते ये एहसास कि वो कभी माँ नहीं बन सकती कितना अज़ियतनाक है। ठीक कह रही हैं आप। बहरहाल इस कड़े वक्त में अहमद को रोशाने का पूरा साथ देना होगा ताकि उसे अपनी कमी और महरूमी का एहसास ना होने पाए। ठीक है। कहाँ जा रही हो? किचन का काम देखने। तुम्हारी तबीयत खराब है। कमरे से कहीं जाने की जरूरत नहीं है बल्कि आराम की जरूरत है तुम्हें। लेकिन मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। जब मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो मतलब खराब है। और जब ये कहा कि कमरे से कहीं जाने की जरूरत नहीं है तो नहीं है। लेकिन तुम्हें कहा था जो मैं कहूंगा तुम वही करोगी। स्टे इन द रूम। अहमद बेटा। वालेकुम सलाम बेटा। रोशाने कहाँ है? वो अपने कमरे में आराम कर रही है। तबीयत खराब है उसकी। क्या हुआ उसकी तबीयत को? बहुत टेंस टाइम में वो सारी रात रोती रही बेचारी। एक मिनट के लिए नहीं सोई। समझ सकती हूँ। मम्मी एक और बात है, प्लीज कोशिश कीजिएगा कि उसके सामने आप कोई ऐसी बात ना करें जिससे उसकी दिलाजारी हो। बड़ी मुश्किल से इस सच को तस्लीम किया है उसने। अभी तक शौक में है। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। वो जिस अजियत से गुजर रही है
एक औरत होने की हैसियत से मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं समझ सकता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा, उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। बगैर नाश्ता किए जा रहे हो बेटा? मैं बना देती हूँ तुम्हारा नाश्ता। अरे नहीं अम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप रोज आने का ख्याल रखिएगा। मैंने कहा ना तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोशानी हमारी बहू नहीं बेटी भी है, और मेरी बेटी तकलीफ में हो, क्या ये हो सकता है कि मैं उसकी तरफ से लापरवाही बरतूं? जानता हूं मम्मी। फिर बेफिक्र होके काम पे जाओ, रोशानी एक लम्हे को भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगी। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। बेटा ऑफिस में नाश्ता कर लेना तुम। जी मम्मी। अरे खबर भाई, मैं तो कब से आपा से कह रहा था कि रोशी के घर से हो आते हैं, लेकिन आपा आजकल कर रही थी, इसी चक्कर में हफ्तों गुजर गए। अरे आपका अपना घर है सईद भाई, जब चाहे तशरीफ लाएं, हमारे लिए तो खुशी का बाइस है। बस खबर भाई, जब से मुन्ने के आने की खबर सुनी है ना, ढेर सारी शॉपिंग कर ली, मार्केट में शायद ही कोई खिलौना होगा जो हमने छोड़ दिया, अभी से एडवांस में सारी तैयारी मुकम्मल कर दी। बस खबर भाई, अल्लाह मियाँ से एक ही दुआ है कि अल्लाह मियाँ खैर व आफियत से आपकी और हमारी बेटी को खुशियाँ नसीब करे। आमीन। जी जी। सफिया बहन, आज आप कुछ खामोश खामोश सी हैं। नहीं तो सईद भाई बात कर रहे थे तो मैंने सोचा खामोश ही रहूं। आपकी चाय ठंडी हो रही है, लीजिए ना। जी जी लेती हूँ। वो हमारी बेटी कहाँ नजर नहीं आ रही, कहीं वो भी तो मुन्ने की शॉपिंग करने नहीं गई हुई? नहीं, रोशाने जरा डॉक्टर के पास गई है अहमद के साथ। कोई बात नहीं, हम लोग भी बस थोड़ी देर के लिए ही आए। एक बात बताऊं खावर भाई, बेटी हो या बेटा, क्रिकेटर ही बनेगा, और आपको अपने घर के शीशे वाले बर्तन और खिड़कियां संभाल कर रखनी होंगी। अरे बस करो सईद, अब हमारा मुन्ना माँ की तरह तो नहीं होगा ना। खालदा बहन, चले हम उधर चल के बैठते हैं, मर्दों को आपस में गपशप करने दें। आइए। और सुनाइए सईद साहब, क्या मशागिल हैं? बस खबर भाई, जब से रोशी रुखसत होके इस घर में आई है, लगता है फरागत ही फरागत है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है सफिया बहन, आपने जो भी बात करनी है खुलकर कहें, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, और फिर बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं और उनके दुख सुख भी सांझे होते हैं। मेरी बेटी से कोई शिकायत है क्या आपको? नहीं नहीं, हमें रोशाने से कोई शिकायत नहीं, बल्कि खावर और मैं तो उसे बेटियों से बढ़कर चाहते हैं, लेकिन दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले अहमद रोशाने को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर गया था। जी जी मुझे पता है, नहीं इस खुशखबरी को सुनने के लिए तो हमारे कान तरस गए। वो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को दिए थे, और उन टेस्ट की रिपोर्ट से जो बात सामने आई, समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं। खुदा ना खास्ता, ऐसी क्या बात है जिसे बताने के लिए आपको इतनी हिम्मत जोड़नी पड़ रही है? उस रिपोर्ट में आया है कि रोशाने कभी मां नहीं बन सकती। रोशाने कभी मां नहीं बन सकती, ये कैसे हुआ? इस तल्ख हकीकत को भुलाने की हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या भुलाने से हकीकत अफसाना बन सकती है? चला, मेरी बच्ची को ये कैसा रोग लगा दिया, कैसा रोग है ये, वो इस अजियत से कैसे गुजरेगी, क्या गुजर रही होगी मेरी बच्ची पर? मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, आपको खुद को संभालना होगा, हम पे भी कयामत गुजरी थी,
लेकिन आप तो जानती हैं कि दुख सुख जिंदगी का हिस्सा होते हैं। कि मेरी मासूम बच्ची की पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजरेगी, किसके सहारे गुजरेगी? हम हैं रोशाने के साथ, हम अपनी बेटी को अकेला नहीं होने देंगे। लेकिन अहमद को भी तो खुशियां देखने का हक है ना, मेरी बेटी के साथ उसे भी इस महरूमी का सामना करना पड़ेगा। सफिया बहन, अहमद खबर तो नहीं है ना मेरी बेटी से, नाराज तो नहीं है ना? अहमद की तरफ से आप इत्मीनान रखें, वो हमारा बेटा है, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। बस बहन, इस मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा आओ अम्मी के पास बैठो, मैं जरा किचन देख लूं। बेटा, मैं जानती हूँ तुम किस गर्भ से गुजर रही हो, उसी तकलीफ से मैं भी गुजर रही हूँ। अगर एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती सिवाय दिलासा देने के। तुम मेरी बहुत बाहिम्मत बेटी हो, क्या आंसू पोंछ दो अपनी महरूमियों को पीछे छोड़ के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। अम्मी आप मेरी फिक्र ना करें, वक्त और हालात ने मुझे हौसला मंद बनने पर मजबूर कर दिया है, और आप खुद ही तो कहती हैं वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। जीती हो मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां जरूर देगा, सबर का फल मिलेगा। मैंने खुद को बहुत मजबूत कर लिया है, इतना कि मैं जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकती हूँ। अम्मी मैं अब पहले वाली रोशन ही नहीं रही, मुझे दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है। अम्मी आप मेरे साथ हैं ना? बेटा तुम्हारी अम्मी हर कदम पर तुम्हारे साथ है, मुझे यकीन है। देखना अल्लाह ने मेरी बेटी के नसीब में बहुत सारी खुशियां बहुत सारे सुख लिखे हैं, तुम्हें जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बस खुदा पे भरोसा रखो मेरे बच्चे, खुदा पे भरोसा रखो, अल्लाह ताला सब ठीक करेगा, सब ठीक कर देगा। रोशी की अम्मी की हालत तो गैर हो गई थी ये सब सुनकर, वो बेचारी तो अपनी बेटी की खुशियां बांटने के लिए आई थी। अम्मी ने उनको बहुत समझाने की भी कोशिश की, मगर अब वो भी क्या करें, एक माँ जो है। आपकी अहमद से बात हुई इस सिलसिले में? नहीं फिलहाल तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आपको चाहिए कि आप अहमद से बात करें, इनफैक्ट अहमद को चाहिए कि वो आपसे इस बारे में डिस्कस करे कि वो इस मसले के बारे में क्या सोच रहा है। सारा प्लीज, इसमें सोचने वाली क्या बात है, परेशान होगा वो और क्या। एक बात तो तय है, मर्द के पास ऑप्शन हमेशा मौजूद रहते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी कर ले, और अहमद के पास अभी एक ऑप्शन मौजूद है। ऐसे क्या देख रहे मुझे, मैं सच तो कह रही हूँ, अभी भी अहमद मिराल को चाहता है। सारा घर में पहली टेंशन है, किस किस्म की बातें कर रही हो। क्या गलत कह रही हूँ मैं सिर्फ अहमद के पास मौजूद ऑप्शंस की बात कर रही थी। वैसे आपको चाहिए कि आप अहमद को अपने पास बिठाकर बात करें, उससे पूछें कि उसने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है। अब सारी उम्र वो एक बेऔलाद औरत के साथ तो नहीं रह सकता ना, उसके भी कुछ अरमान होंगे। ये उनका पर्सनल मैटर है, हमें किसी किस्म का कोई कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। असल ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ये सब चीजें कॉमन होती हैं। मैंने तो रोशी का दुख समझकर आपसे ये बात की थी, लेकिन अगर आपको ही मेरी बात समझ में नहीं आ रही
तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपा मत रोएं, प्लीज मत रोएं। देखिए ये गलत बात है, आप रोशी के घर जाकर उसे तसल्ली और दिलासे देकर आई और यहाँ बैठकर खुद रो रही हैं। लेकिन इस हकीकत से भी तो नहीं इनकार किया जा सकता ना कि अहमद की भी तो कुछ ख्वाहिशात होंगी। अरे आपा, तो क्यों खदशात को अपने दिल में जगह दे रही हैं? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने खावर भाई या रोशी की सास के रवैये में कोई तब्दीली देखी, कोई फर्क देखा? अरे नहीं, वो दोनों तो बहुत ही शफीक और प्यार करने वाले वालदैन हैं। बस तो आपा यही सोचकर खुश हो जाइए और दुआ कीजिए कि खुदा खुशियों को उसकी जिंदगी का मुकद्दर बना दे। मैं तो हर लम्हा अपनी बेटी के लिए दुआएं करती। तो फिर आपा यूं रोकर हालात के आगे अपने आप को कमजोर क्यों कर दी? मैंने रोशी की आंखों में मुकम्मल औरत देखी, अब वो पहले वाली हठधर्म और जिद्दी रोशी नहीं रही। उसने हालात से समझौता करना सीख लिया है, और जो आदमी अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लेता है ना, उसके लिए मुश्किलात ऐसी मुश्किलात नहीं रहती जैसी आम आदमी के लिए होती। तुम ठीक कह रहे हो सईद, लेकिन बेउलादी का ताना कोई छोटी बात नहीं है। मर्द की फितरत के आगे औरत को जिंदगी भर समझौता करना पड़ता है, इसी तरह जिंदगी गुजरती है। तो हमारी रोशी कर तो रही है समझौता, और आप देखिएगा थोड़े दिनों की बात है रोशी फिर वही रोशी बन जाएगी जो हर वक्त हंसती रहती थी, खिलखिलाती रहती थी। जब तक हम खुद को ये बात नहीं समझाएंगे ऐसे ही परेशान रहेंगे, और परेशान रहने से मसले हल नहीं होते। बस आप हमारी बेटी की खुशियों के लिए दुआ करें, खुदा उसे खुश रखे। The end, बस सैड सीन खत्म। आंसू पोंछिए, पोंछिए आंसू, जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाता हूँ, और आज मैं चीनी भी ज्यादा डालूंगा, ठीक है? ना जाने क्या सोच रही है, शायद खुद को मजलूम और मुझे जालिम समझ रही होगी। इसके लिए तो जालिम ही हूं जो ये सब कुछ कर रहा हूं, पर इसे कैसे समझाऊं कि कितना मजबूर हूं अपनी मोहब्बत के हाथों। इतना मजबूर कि अब मुझे कुछ नजर नहीं आता सिवाय अपनी मोहब्बत मीराल के। कोई इंसान इतना सख्त दिल कैसे हो सकता है, इतना कठोर, और शख्स भी वो जो खुद किसी से बेइंतहा मोहब्बत करने का दावा करता है। इतनी मोहब्बत की उसकी खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि खुद को बेऔलाद साबित करने जा रहा है। लेकिन शायद मोहब्बत सब कुछ करवा सकती है। मैं भी तो इस ताल्लुक की मोहब्बत में बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही हूँ। मेरे अल्लाह मुझे माफ करना। के पास जाना है और उनसे कहना है कि तुम अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती हो, यानी मुझसे, पर बहुत सोचने और समझने के बाद तुमने ये फैसला किया है कि तुम्हारे शौहर को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। जो महरूमी तुम्हारे ऊपर तकलीफ बन के गुजर रही है उसे मुझसे ज्यादा कोई महसूस नहीं कर सकता। अम्मी आप जानती हैं, आप जानती हैं मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर अब अगर आप लोग चाहते हैं कि औलाद की इस ख्वाहिश को भी मैं अपने दिल में दबा रहने दूं तो मैं कुछ नहीं कह सकता।
तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है।